गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको सबसे पहले प्लांट्स दिखा है डहेलिया का और हमें दिख रहे हैं मेरी गोल्ड यानी कि गेंदे के फूल। तो ये सब ठंडियों में खूब होते हैं गाइस। डहेलिया के इतने सारे कलर्स और वैरायटीज आती हैं कि आपको देख के मन करेगा कि सारी की सारी डहेलिया के प्लांट्स लगा लें। ये थोड़े से हाइट में होते हैं यानी कि आपके कमर के बराबर हो सकते हैं डहेलिया के प्लांट्स, और इसमें कलर की वैरायटी होती है, मिक्स कलर में आते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं मिक्स है रेड एंड वाइट का, इस तरह से रेड है, येलो है, मरून है, ऑरेंज है, बहुत सारे कलर्स इसके मौजूद हैं यहाँ पे। आपको जो कलर पसंद आता हो आप उस कलर को ले सकते हैं और अपने पॉट में इसे विंटर सीजन में लगा सकते हैं। गाइज इनका रेट भी अलग अलग होता है यहाँ पे इस नर्सरी में। इनका जो प्राइस है ये कभी अगर पॉट में लगा हुआ आप लेते हैं तो 150 में ये देते हैं, अगर विदाउट पॉट में सिर्फ आप पॉलिथीन वाला लेते हैं तो ये 80 रुपीज़ का देते हैं। तो इस तरह से अलग अलग प्राइजेज हैं इनके, तो आप अपनी नर्सरी में बार्गेलिंग करके ले सकते हैं, क्योंकि नर्सरी वालों से विदाउट बार्गेलिंग अगर आप लेंगे तो आपको ज़्यादा में ही प्लांट्स मिल जाएंगे, इसलिए बार्गेलिंग ज़रूर करें इन प्लांट्स की। ये देखिए गाइस ये सारे डेंथस हैं और इसकी भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, और ये छोटा प्लांट्स होता है, छोटा पौधा होता है, तो आप किसी भी बड़े प्लांट्स के नीचे इसे आसानी से लगा सकते हैं। और डेंथस मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसमें कलर्स भी बहुत सारे हैं और ये भी सेडेड में आते हैं, कई सारे सेट इसके आते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत सारे सेट हैं। इन्होंने इसका प्राइस 30 रुपीज़ रखा है डेंथस का, बट जब पिछले साल मैंने लिया था तो ये 20 में मिले थे और इस साल इनकी प्राइस 30 हो गई है, कहीं पे 25 रखा हुआ है, तो शायद बार्गेलिंग करें तो शायद ये कम कर दे, देखते हैं। ये देखिए बहुत खूबसूरत कलर है 2 सेड में, वाइट एंड पिंक का। ये देखिए गाइज ये पिटूनिया है और पिटूनिया में भी ऐसे ही बहुत सारे कलर्स आते हैं, आपको पर्पल कलर मिल जाएगा इसमें, रेड एंड वाइट मिल जाएगा, इस तरह से बहुत सारे पिटूनिया के कलर्स आते हैं। और पिटूनिया तो मैंने पिछली साल लगाया था तो बहुत लास्ट फरवरी तक इसमें काफ़ी अच्छे फूल आए थे, इवन मार्च तक इसमें फूल आए थे, बहुत फ्लॉरिंग करा था उसने पिटूनिया ने। तो पिटूनिया बहुत ही एक अच्छा प्लांट है विंटर सीजन का। गाइज ये सारे देखिए गुलदाउदी के प्लांट्स हैं, गुलदाउदी बहुत ही पसंदीदा फ्लावर है मेरा क्योंकि इसमें इतने सारे फ्लावर्स निकलते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ लीव्स कम दिखेंगे, आपको ऊपर टॉप एरिया पे जो क्राउन एरिया होता है उस पर सिर्फ और सिर्फ आपको फ्लावर्स ही दिखेंगे। तो यहाँ पे इतने सारे देखिए गुलदाउदी की वैरायटीज है इन्होंने रखा हुआ है, और ये बहुत ही अच्छे होते हैं ठंडी सीजन में। विंटर सीजन में आप गुलदाउदी का पौधा ज़रूर लगाएं जो भी कलर आपको पसंद है, क्योंकि ये पूरे विंटर सीजन आपके गमले में फूलों से भरा रहेगा, कुछ इस तरह से जैसा आपको दिख रहा है। गाइज ये खूबसूरत सा प्लांट का जो नेम है स्टोबिन है, जो उनकी नर्सरी वाले बता रहे हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कलांचू है, पर नर्सरी वाले बता रहे हैं कि स्टोबिन नेम है इसका, बट मुझे कलांचू के जैसा ही इसका फ्लावर्स लग रहा है। और इसका प्राइस है गाइज 30 रुपीज़, तो ठीक है 30 रुपीज़ में, अभी तो मोस्टली प्राइस बढ़े हुए हैं पिछली साल की अपेक्षा, जो 20 के थे वो सभी 25 और 30 के हो गए हैं, तो इस तरह से सभी 5 और 10 रुपीज बढ़ चुके हैं सभी के प्राइस। और ये देखिए गाइज ये जो आपको वैरायटी दिख रही है ये सारी पैंसी की है, पैंसी भी विंटर सीजन का बहुत ही अच्छा फ्लावर्स होता है, ये भी आपको बहुत सारे कलर्स में मिल जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे, और ये देखने में भी बहुत प्यारे लगते हैं। मुझे तो जितने भी फ्लावर्स होते हैं सभी बहुत प्यारे मोस्टली लगते हैं, बस फ्लावर्स आ रहे हैं और सबका है ना कि अलग अलग वैरायटीज होती है, अलग अलग एक बनावट होती है, तो उस हिसाब से सारे आपको फ्लावर्स अच्छे ही लगेंगे। जैसे कि देखिए
ये पूरा वाइट है, बीच में पर्पल निकला हुआ है, ये येल्लो है, बीच में ब्लैक है, तो इस तरह से ये सब बहुत प्यारे लगते हैं फ्लावर्स। इसमें इतनी सारे कलर्स होते हैं कि मतलब आप देख के बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। तो आप विंटर सीजन में पैंसी को भी आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। पैंसी का जो प्राइस है वो इन्होंने 25 रुपीज़ रखा हुआ है, तो हो सकता है कि 20 में इसे दे दें, और देखते हैं आगे क्या करते हैं ये। और ये तो वही हैं डहेलिया, डहेलिया इधर सारे लगे हुए हैं और सभी में फ्लावर्स आ रहे हैं अभी, और काफ़ी बड़े बड़े डहेलियाज हैं ये बिल्कुल रेड, ब्राइट रेड कलर से। जो हमारा नेक्स्ट प्लांट है ये है कलंडोला, ये देखिए ये बहुत ही खूबसूरत आता है येलो ऑरेंज के सेट में, और येलो ऑरेंज देखिए ये सेट में भी है, विदाउट सेडेड भी है, तो इसमें भी बहुत सारे कलर्स आते हैं, लाइट कलर आता है, डार्क कलर आता है, इस तरह से कई सारे इसमें कलर्स आते हैं कलंडोला में। ये गाइस इधर सारे डॉग फ्लावर्स हैं, इन्हें डॉग फ्लावर्स बोलते हैं क्योंकि इनका जो माउथ है वो ओपन होता है, जो ये फ्लावर्स है इसका ये जो माउथ है अभी देखिएगा आप, ये ओपन होगा, ये देखिए यहाँ से कुछ खुल रहा है ना, ये देखिए इस तरह से ये खुलता है, इसलिए इसको डॉग फ्लावर्स बोलते हैं। और ये है वर्बेनिया, वर्बेनिया में भी बहुत सारी वैरायटीज आती हैं, बहुत सारे कलर्स आते हैं, देखिए कितने प्यारे कलर हैं। ये जो रेड वाला है, रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन, ये तो मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है और मैं इसे ही लेने वाली हूँ, रेड और वाइट का जो कॉम्बिनेशन है। और इसका प्राइस जो है वो है 30 रुपीज। गाइस ये जो आपको राउंड शेड में आपको लीव्स दिख रहे हैं, पत्ते दिख रहे हैं राउंड राउंड में, ये प्लारगोनियम है, और इसका जो लीव्स है इसमें खुशबू भी होती है, तो ये भी काफ़ी परमानेंट फ्लावर्स है, और ये एक्चुअली विंटर सीजन में फ्लोरिंग करता है और समर में सिर्फ लीव्स रह जाती है, फ्लोरिंग नहीं करता है। आज के लिए इतना ही गाइस, नेक्स्ट टाइम फिर मिलूंगी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।